कहते हैं कि किसी ज़माने में परिंदे इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद हुआ करते थे उन्हें किसी बादशाह की ज़रूरत नहीं थी और ना ही वज़ीरों की जो बादशाह को मशोरे देते ना ही उन्हें परिंदों के किसी ऐसे जरगे की ज़रूरत थी जो मिल बैठ कर उनके लिए कानून बनाते इन दिनों में जब भी परिंदे इकट्ठे होते तो वह एक दूसरे से खुशी खुशी गप्पे हाँकते और बताते कि कौन पैदा हुआ है और कौन मर गया है कौन से परिंदे के बच्चे यतीम हो गए हैं और वो कवानी बनाने की बजाय अहम मसाले एक दूसरे को बताते थे उनका कानून एक ही था मोहब्बत और दोस्ती का कानून ना उन्हें नफरत का इलम था और ना गुस्से का लेकिन फिर एक मकार उनके इलाके में दाखिल हो गया उसने इर्द गिर्द जायज़ा लिया परिंदों की खुशियों का दुश्मन था उसने मोर से कहा तुम अपने आप को आम सा परिंदा क्यों समझते हो हालांकि तुम बाकी सब परिंदों से ज़्यादा खूबसूरत हो मोर उसकी लच्छेदार बातों में आ गया और बड़े फ़खर से खुद को तालाब के पानी में देखने लगा फिर वही शख्स इकाब के पास गया और उसे कहने लगा तुम ये मरील से परिंदे कोयल को अपना दोस्त क्यों समझते हो क्या तुम बाकी सब परिंदों से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो तुम बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले हो तुम आसानी से अपनी चोंच से उसके टुकड़े कर सकते हो इकाब उसकी बातों में आ गया और वो उड़ कर गया और अपनी चोंच और पंजों से कोयल को घोंसला तहस नहस कर दिया इस तरह आस्था आस्था वह मकार परिंदा परिंदों के बीच दुश्मनी के बीच बोने में कामयाब हो गया परिंदों की पुरमन सुल्तनत जंग का मैदान बन गई परिंदे एक दूसरे से लड़ने और गालियाँ देने लगे आखिरकार ताकतवर परिंदे कमज़ोर परिंदों को शिकार करने लगे हर कोई अपनी ताकत पर नाश करने लगा और कमज़ोरों को बुरा भला कहने लगा एक दिन एक नन्हे से परिंदे ने सब छोटे परिंदों से कहा हम इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते वो सभी काब के पास चले गए और उससे कहा हमें इंसाफ चाहिए आप सबसे ताकतवर परिंदे हो बेहतर हो सब पर हुकूमत करें ताकि कोई किसी के साथ ज्यादती ना कर सके। इकाब खुशामद पसंद था फ़ौरन मान गया लेकिन परिंदों के जाने के बाद वही मकार इकाब के पास आया और उससे कहा बादशाह तो होते ही अवाम से खिदमत कराने के लिए हैं तुम्हारे पास वक्त कहाँ है कि तुम इन अहमकाना लड़ाइयों में सुलह करवाते फिरो बेहतर है तुम उल्लू को इनका बादशाह बना दो इसकी आंखें कीमती पत्थरों जैसी होती हैं वो सिर्फ रात को देख सकता है और जब रोशनी में दूसरे परिंदे हवाओं में प्रवास करते हैं तो वो कुछ नहीं देखा देख सकता इसलिए वो किसी के मामले में दखल नहीं देगा और हर कोई वही करेगा जो इसका दिल चाहेगा इकाब को ये तरकीब बहुत अच्छी लगी उसने उल्लू को परिंदों का बादशाह बना दिया उल्लू दिन को सोया रहता है और रात को जागता है जब बाकी परिंदे मजे से अपने घोंसलों में सोए होते हैं तभी तो आज तक वो पुराने अमन वाले दिन परिंदों की सुरत पर नहीं लौटे और वह आपस में लड़ते रहते हैं